हे भगवान, मेरी कोई जल्दी से नई नौकरी लगवा दो। गणपति बप्पा, हम लोग बहुत परेशान हैं। घर में एक भी दाना नहीं है खाने को और जेब में एक भी पैसा नहीं है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, जल्दी से कोई राह दिखाओ, जल्दी से कोई राह दिखाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान कोई ना कोई नया रास्ता दिखा देंगे बेटा। हाँ पापा, आपको पता नहीं है, मैं पिछले 2 साल से रिंग्या के पीछे लगा हूँ, लेकिन वो साली पटी नहीं रही है। हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता दिखाओ, जल्दी से मैं उससे कोई सेटिंग। यहाँ खाने के पैसे नहीं है घर में, और इसे रिंकी और पिंकिया को पटाना है। पागल हो गया क्या तू? नहीं मम्मी, मैं तो सही हूँ एकदम। लगता है आप पागल हो गई हो, कोई नहीं इस उम्र में होता है। गगन के पापा इसको समझा लो, नहीं तो भगवान के मंदिर में इसको चमाट पड़ जाएगी मुझसे। अरे मैं तो इसको समझा समझा के परेशान हो गया हूँ, तू ही इसको समझा, मुझसे नहीं होता ये। नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब ना आप दोनों को मैं वृद्ध आश्रम छोड़ दूंगा, वहीं पे रहना मजे से, ठीक है? देख रही हो कैसी बातें कर रहा है ये? मैं क्या देखूं? तुमने सर पे चढ़ाया, तुम ही ने बिगाड़ा इसको। ज्यादा बकवास मत कर, तूने इसको बिगाड़ा है, समझी ना? मैंने? हाँ तू। पापा पापा, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा और तेज। अब लड़ो, अब लड़ो, अब लड़ो, लड़ो लड़ो लड़ो। देख रहे हो कैसे हम लोगों के बीच में लड़ाई करा के खूब मजे ले रहा है? अरे नहीं मम्मी, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आप दोनों की लड़ाई देख के हंस रहा हूँ सिर्फ बस। अच्छा राजे बेटा, हंसो खूब हंसो, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। देख मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप तूने कुछ बोला तो तेरे को एक थप्पड़ मार दूंगा। हाँ, पापा मम्मी को थप्पड़ मारेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। थप्पड़ मारोगे तुम? मुझे थप्पड़ मारोगे? मुझे थप्पड़ मारोगे? अभी मैं अपने भाइयों को फोन करती हूँ, तब पता चलेगा। अजी नहीं जी, वो तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, चलो घर चलते, चलो। एक बात है, ध्यान से सुन लो, या तो कोई नई जॉब ढूंढ लो या कोई दुकान वकान खोल लो, समझे? पापा मम्मी, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल मेरा राजा बेटा, बोल। देखो मम्मी, पापा को इतनी जल्दी तो जॉब मिलेगी नहीं, फिर ना हम कोई बड़ा बिजनेस खोल लेते हैं। बिजनेस? बिजनेस बेटा, बिजनेस खोलने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और वो हमारे पास है नहीं। हाँ ये बात तो है, हमारे पास पैसे तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ना रास्ते में कुछ सोच के बताती हूँ। यहाँ ना सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, चुप हो जाओ, चलो चलो चलो। मम्मी आपने कुछ सोचा? बेटा सोच तो रही हूँ, लेकिन जो भी दिमाग में आ रहा है ना, उसमें पैसे बहुत सारे लगते हैं, और वो हमारे पास है नहीं। मैं एक बात बोलूँ मम्मी? बोल भी ना राजा बेटा, बोल। मम्मी क्यों ना मोची का काम कर ले, उसमें खर्चा भी नहीं होगा। हे भगवान, मुझे आज पूरा यकीन हो गया है, ये लड़का सच में पागल है ये। मेरा राजा बेटा कान खोल के सुन ले, एक ऐसा काम बता जिसमें हमारी इज्जत बच जाए, मोची बनवाएगा या हमें। अच्छा, पैसे भी बचाने हैं, इज्जत भी बचानी है, फिर क्यों ना मूंगफली का ठेला खोल ले, उसमें पैसे भी बचेंगे और इज्जत भी रहेगी। नहीं 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 नहीं, मूंगफली मूंगफली मैं नहीं बेचूंगी भाई। लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ सोचो सोचो। कुछ सोचा? नहीं। गगन एक बात बोलूं? हाँ मम्मी। इनको ना सोचने में बहुत टाइम लगने वाला है। मम्मी मैं ना तब तक आपको बिनोमो ऐप के बारे में बता देता हूँ। कौन सी ऐप? बिनोमो। देखो बिनोमो एक हॉनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, जो एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, और आप इसमें अलग अलग ऐसे में ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे एप्पल गूगल और फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर यूरो, और इसमें 90% का प्रॉफिट भी मिलेगा। अरे वाह। हाँ, और इसमें कोई भी एसेट सेलेक्ट करना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। मम्मी आपको मैं एग्जांपल में बताता हूँ। देखो मैंने 700 रुपए लगाए हैं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा फोरकास्ट सही निकल गया। लेकिन ये बता, ये पैसे हमारे पास आएंगे कैसे? अरे मम्मी पेटीएम बैंक जिससे मर्जी उससे निकालो, और इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका डिपॉजिट किया अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी अगर आप 350 रुपए का टॉपअप करती हैं तो 700 रुपए मिलेंगे। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे ये तो बता? मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिलेंगे, और डिफरेंट स्ट्रेटजी अलग से जिससे आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये सही है। ए ये फोन किसका है? तेरे पास तो फोन ही नहीं था। ये मेरे दोस्त का है मम्मी, सॉरी। मम्मी पापा से पूछते, इन्होंने कुछ सोचा है नहीं? पापा आपने कुछ सोचा है नहीं? नहीं। गगन एक बात बताऊं? तेरे पापा के पास तो दिमाग ही नहीं है। हैं सच में पापा के पास दिमाग नहीं है? हाँ, और जो थोड़ा बहुत है भी ना, वो भी मैंने दिए शादी के बाद इन्हें। अच्छा, अगर आपके पास इतना ही दिमाग है तो आप ही कोई बिजनेस का आइडिया दे दो। गगन के पापा कुछ सोचा? अरे क्या बताऊं साला, जो भी बिजनेस दिमाग में आता है
पैसा ही बहुत लग रहा है उसमें साला। एक काम करते हैं ना, भूखे मर जाते वो सही रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। चल माफ किया, लेकिन मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख तो मेरे को भी बहुत ही लगी है, पर मैं देखता हूँ, लेकिन मैं जेब चेक करता हूँ। पापा आप रहने दो, आप जेब चेक मत करो, मुझे पता है आपके पास एक भी रुपए नहीं होंगे। ये लो मेरे पास 100 रुपए हैं, इसका ना कुछ खा लेंगे। तुम्हारे लड़के का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्या बात गगन, अभी तक तेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे, तरक्की कर ली मेरे लड़के ने 100 रुपए। पापा चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। हाँ हाँ, 100 रुपए में तो हम तीनों पेट भर के गोलगप्पे खा लेंगे। हाँ चलो चलो चलो, ले लो गोलगप्पे, ले लो तीखे मीठे गोलगप्पे सादी पापड़ी के साथ, ले लो गोलगप्पे ले लो। भैया जी गोलगप्पे खिला दो। कौन से खाओगे, तीखे मीठे या सड़ी पापड़ी? क्या सड़ी पापड़ी के? मेरा मतलब सादे पापड़े। अच्छा अच्छा, ये लो 100 रुपए और इसमें जो है वो सब खिला दो सिर्फ मुझे। अरे मतलब इन दोनों को भी खिला दो, ये लो। मुझे ना तीखे तीखे खाने हैं। और भैया मेरे को थोड़ा मीठा लगा के देना। मुझे जो है सब खिला दो भाई, पहले मीठा फिर तीखा फिर पापड़ी सब, ठीक है? ओके भैया जी, ये लो प्लेट पकड़िए। बहुत भूख लग रही है। मुझे भी लग रही है मम्मी। वो पहले मुझे, पहले मैं खाऊंगा। अरे अबे रुको ना कमो। अरे ये फोन वाले भी ना बड़ा परेशान करते हैं। खुद खा लिया। हमारी अम्मा जी का फोन है। हेलो अम्मा जी प्रणाम। हाँ 2 लाख आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, अगले महीने फिर से डाल देंगे। अभी कस्टमर आए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? प्रणाम। गांव से अम्मा जी का फोन था। अरे भैया एक बात, मतलब सर जी एक बात बताओ, आप गोलगप्पे बेचने के अलावा कोई और भी काम करते हो क्या? हाँ भैया, गोलगप्पे बेचने में कहाँ गुजारा होता है, इसलिए बेचने के साथ बनाते भी है गोलगप्पे। अच्छा बेटा एक बार बताओ कितना कमा लेते हो इससे? कहाँ ज्यादा कमाते हैं, यही 2-3 लाख हर महीने का। अबे क्यों मजाक कर रहा है, यहाँ कोई पागल लिखा हुआ है क्या? अरे बेटा ये कहाँ कमाता होगा 2-3 लाख रुपए, यूं ही पागल बना रहा है हमारे को। वो तो आप तीनों हो ही जो मेरी बात नहीं मान रहे हो। अबे ओए बेवकूफ समझ रखा है क्या उन तीनों को, पागल कैसे बोल रहा है? वैसे ही जैसे आपके पापा हमको पागल बोल रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है बोल दो। अब अच्छा छोड़ो ये सब, मान लिया कि तुम महीने का 2-3 लाख रुपए कमाते हो। मान लिया नहीं, मानना पड़ेगा क्योंकि मैं कमाता ही उतना हूँ। मम्मी क्या मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वही आपके दिमाग में भी आ रहा है? हाँ बेटा मेरे दिमाग में बिल्कुल वही आइडिया चल रहा है। पापा जो मेरे और मम्मी के दिमाग में आइडिया आ रहा है वही आपके दिमाग में भी आ रहा है? हाँ मेरे दिमाग में भी वही आइडिया आ रहा है। अच्छा तो बताओ कौन सा आइडिया आ रहा है? गोलगप्पे में ना मीठा ज्यादा लगाएंगे, जल्दी खिला भैया। अरे पापा वो नहीं। हाँ अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, गोलगप्पे खाने या नहीं खाने? अरे नहीं भैया अब ना हमारी भूख खत्म हो गई है, अब हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और। क्या सोच रहे हो? मम्मी आप बताओ इसे कि हम क्या सोच रहे हैं। वो बेटा हम लोग ना अब खुद गोलगप्पे का ठेला लगाने की सोच रहे हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो पापा रुको, भाई वो ना हम ये सोच रहे थे कि ये जो आपका गोलगप्पे का ठेला है ये आप मुझे बेच दो और आप दूसरा खरीद लो। अबे पगला वगला गए हो क्या, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है? अबे ओए सही से बात कर, मेरा बेटा लाखों में एक है, जो पूछ रहा है ना उसे सही से जवाब दे। जवाब क्या देना, मैं नहीं बेचूंगा अपना ठेला। अरे बेटा बेच देना यार, 100-200 फालतू ले लिए भाई। 100-200 पता है कितने रुपए का है? पूरे 20,000 का। और इसको मैंने बेच दिया ना मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो भाई तेरे ठेले की कीमत है 20,000 रुपए और अगर तूने इसे बेच दिया तो तेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ करोड़ों का। अरे बाप रे, मम्मी अब चाहे कुछ भी हो जाए हम बिजनेस करेंगे तो गोलगप्पे का ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ 20,000 रुपए लगा के करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों 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 कमाएंगे करोड़ों, पर 20,000 भी तो नहीं है हमारे पास। पापा मेरे पास एक जुगाड़ है, घर चलो फिर बताता हूँ मैं। अरे कौन सा जुगाड़ बताना? मम्मी घर तो चलो पहले, चलो 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 चलो। अरे गोलगप्पे नहीं खाओगे क्या?
अब हम गोलगप्पे नहीं खाएंगे, अब हम सीधा दुकान लगाएंगे, वो भी गोलगप्पे की, ठीक है? ओके। बुद्धू बना दिया इनको मैंने। गगन अब तो घर भी पहुंच गए, अब तो बता दे क्या जुगाड़ है। एक्चुअली वो जुगाड़ थोड़ा प्राइवेट है, इसलिए मैं सुबह सीधा ठेला लाके दिखाऊंगा, बस आप देखते जाओ। अरे बेटा तूने ये नहीं बताया कहाँ से लाया ठेला? ये उड़ा के लेके आया हूँ। उड़ा के? अच्छा, ये ठेला उड़ता भी है क्या? पापा चला के लेके आया हूँ, उड़ता थोड़ी ना ये। अरे ये तो मुझे भी पता है, इनका कहने का मतलब है कि इतने पैसे लाया कहाँ से ठेला खरीदने के लिए। अरे क्या मम्मी, आप भी फालतू की बातों में लगी हो, अब अपनी दुकानदारी का टाइम हो गया है, चलो दुकानदारी करते अपनी। हाँ हाँ बेटा चलो चलो। गप्पे ले लो, हरे पीले लाल नीले, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे हरे पीले लाल नीले, सारे गोलगप्पे ले लो। अरे गोलगप्पे वाला यार, कितना टाइम हो गया गोलगप्पे खाए हुए, चलो आज गोलगप्पे खाते। भैया जी, भैया जी एक प्लेट गोलगप्पे खिला दो। ठीक है बेटा, जरा ठेले को साइड में लगा दो, साइड में। हाँ जी, हाँ जी, लगाओ जल्दी से लगाओ, साइड में लगा दो। बस 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 साइड में लगा दो। हाँ बस बेटा, चल बेटा चल। ठीक है, ये लो, ये बताओ कौन सा खाओगी, तीखे मीठे पापड़ी कौन सा खाओगी? पहले ये बताओ एक प्लेट कितने की? 10 रुपए की। नई नई दुकान खोली है क्या आपने? हाँ बेटा, आज ही श्री गणेश किया है। हाँ हाँ, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने रेट डिसाइड ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम रेट तो बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं ना, पहले आप मुझे गोलगप्पे खिला दो, बाकी जो आप बोलेंगे वो मैं दे दूंगी। ठीक है ठीक है, बताओ कौन सा खाओगी? ठीक है, आप मुझे पहले खट्टे वाले खिला दो। ठीक है ठीक है। बताओ कैसा लगा गोलगप्पा हमारा? ठीक, कितने बेकार है ये। क्या बेकार है बेटा? तुम्हारे गोलगप्पे, जब पानी बनाना ही नहीं आता तो क्यों खोल रखा है ठेला? कितना नमक था इसमें, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे बेटा, लेकिन हमने तो पानी बनाया ही नहीं, तो फिर किसने बनाया है? अरे यार सच में तुम लोगों ने ना पूरा टेस्ट खराब कर दिया मेरे मुंह का। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना तुम्हारा टेस्ट चेंज कर देता हूँ, एक मीठा वाला गोलगप्पा खिला के ये लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, पहले वाला इतना बेकार था, पता नहीं मीठे वाला कितना बेकार होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, फिर जो आपने गोलगप्पा खाया है ना उसके पैसे दे दो जल्दी से। मैं 1 रुपया भी देने वाली तुम्हारे गोलगप्पे का, पूरा टेस्ट खराब कर दिया मेरे मुंह का इसने। पर बेटा तुमने हमारा एक गोलगप्पा तो खराब कर दिया ना, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ बेटा, पहले ये बता कि ये पानी बनाया किसने है? अरे कहाँ है तेरा ठेला? अरे यही ढूंढते रहेंगे क्या हम? अब वो ये वो लड़का जिसने मेरा ठेला चुराया, ये चल देखता हूँ भाई। हाँ साहब ये है। अरे हट, पुलिस हुए मैं हूँ। ओए चुप करो। अरे क्या हुआ हवलदार साहब? ओ मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब। अब बताता हूँ, मैं तुम तीनों को सलाखों के अंदर डालूंगा, तब समझ में आएगा। लेकिन क्या हुआ साहब, ये तो बताओ। रमेश तुम बताओ क्या हुआ? अरे तुम तो वही हो ना जिसने हमारे को ठेला बेचने से मना किया था। हाँ पापा ये वही है। हैं? हाँ, और ये जो ठेला है ना वो मेरा ही है, आपके लड़के ने रात को मेरे घर से चुराया। क्या? क्या क्या नहीं, अब तुम तीनों जाओगे जेल में। क्या बोल रहे हो साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोला था ना तुझे कि कान में तेल डाल ले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साहब इसको कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए ना। मैंने सब सुन लिया है। हाँ तो बता, तूने उसका ठेला चलाया है क्या? अबे कौन सा है गोलगप्पे वाले का घर, लगता है ये। अरे वाह, ये तो उसका ठेला भी खड़ा है। गगन, तूने मेरी नाक
नाक कटा दी, अब मैं मोहल्ले वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? वही जो पहले दिखाती थी, अब शक्ल थोड़ा चेंज कर दोगी क्यों बेटा? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब आप सही कह रहे हो, शक्ल थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, यही दिखाना पड़ेगा। बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ थाने। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप इसको ले जाइए, हम दोनों बहुत परेशान हैं इस लड़के से। ले जाइए इसे तो ले ही जाऊंगा और साथ में ले जाऊंगा तुम दोनों को, क्योंकि ये अभी नाबालिग है। क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या नहीं? हाँ रमेश अपना ढीला संभाल। चलो, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों पीटे गए, वो भी बहुत जोर जोर से। लेकिन एक बात बोलो, बहुत मजा आया उन्हें पीटते देख, जिन्होंने मुझे पूरी जिंदगी पीटा और पूरी जिंदगी पीटेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना आपका फर्स्ट फैमिली बिजनेस की पहला फैमिली बिजनेस कौन सा था। और बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।